After a very long time, welcome back to property ho to वैसे नीरज मेनन over here. कैसे हो दोस्तों? अब मैं आया हूँ नाहूर में. हाँ, पवई से थोड़ा दूर हटके बहुत ही प्यारा, बहुत थोड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट. एंड मुझे प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला कि एक अच्छा वीडियो आपको बजटेड प्रोजेक्ट का आपका मैं दिखा दूँ. ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट के साइड में खड़ा हूँ. अंदर देखो, वो ऑफिस है. तो सेल्स ऑफिस जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम है कहाँ पे, और थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी आपको समझा दूं, ताकि जब मैं मॉडल फ्लैट आपको एक्सप्लेन करूं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए. क्योंकि सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बोल दूंगा ए फलाना धिमकाना ये वो करके, तो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज. सो आई डोंट वॉन्ट माई कस्टमर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स टू गेट कन्फ्यूज. सो लेट मी स्टार्ट विद द कनेक्टिविटी फर्स्ट. हम है नाहूर में. जिसको नहीं पता, नाहूर रेलवे स्टेशन बाजू में है. इट कम्स इन बिटवीन मुलुंड एंड भांडुप, दोनों के बीच में आता है नाहूर करके जो जगह है. ठीक है, यहाँ पे एशवर्ड बिल्डर का नाम है, जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं. ओके, ऑन द गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड. सो दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम एशवर्ड. द प्रोजेक्ट्स नेम इज एशवर्ड एच. ओके, 5.5 एकड़ की यही पूरी लैंड पार्सल है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो. ये पूरा जो लैंड प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है, आपको वहां पे 2 मिनट्स टू गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड दिख रहा है. ये एक आपका एग्जिट पॉइंट होएगा. और यहाँ पे दिखा देना दोस्त मेरे, हम यहाँ से एंट्री किए हैं, ये आप देख रहे हो. ओके, और मेरे जो पीछे आप देख रहे हो द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क दैट इज कम्प्लीटेड टिल द 15th फ्लोर, दैट इज ऑफ टावर ए. ओके, याद रखना, एंड ऑफ द वीडियो में आपको मैं पूछूंगा कि क्या था, तो कंफ्यूज ना हो जाए. तो 15 माले तक का ए टावर हो गया है, उसके बाजू में आने वाला है बी टावर, यहाँ पे आने वाला है सी टावर, फिर डी, उसके ऊपर आने वाला है ई टावर. मतलब टोटल 5 टावर्स, ए बी सी डी ई. ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए ए टावर जो है वो पूरा सोल्ड आउट हो गया है, उसमें बचे गुचे 2 या 3 कुछ फ्लैट्स है. हम आप बात करने वाले हैं बी टावर में, जो एग्जैक्टली सेम एज ए टावर है. राइट, जो सी डी ई है वो लॉन्च हुआ नहीं है, वो बाद में कभी लॉन्च होगा जब मैं आपको वीडियो बता दूंगा, और आप बुकिंग कर लेना बाद में. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्च ऑफ द बी टावर. सो यहाँ पे आपको एक 1 BHK मिलेगा, वो आपको 2 BHK मिलेगा, एंड यू कैन मेक अ 3.5 BHK जोड़ी बाई कंबाइनिंग द 1 and 2 BHK. ऑलराइट, एंड दिस फ्लैट कम्स विद बालकनी एंड विदाउट बालकनी. 450 कारपेट, 450 कारपेट, ये आपका कारपेट रेंजर्स है 1 BHK के लिए. 600 कारपेट और 650 कारपेट, ये आपका कारपेट रेंजर्स है 2 BHK के लिए. यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? वी विल गो स्टेप बाई स्टेप सो अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट कम्प्लीटली. 1000 कारपेट और 1100 कारपेट का 3.5 BHK का स्टडी बनता है. ठीक है, अब मैं बता दूं कि दिस टावर इज ऑफ 39 स्टोरी. जितना भी टावर है इट वुड बी 39 फ्लोर्स है. हर 10-10 फ्लोर में इन्होंने फ्लोराइज रखा है. देर इज अ बैंड ऑफ प्राइस बिटवीन एवरी 10 फ्लोर्स गैप. ओके, टिल द 30th फ्लोर देर इज नो बालकनी, एंड आफ्टर 38th फ्लोर एवरी फ्लैट हैज अ बालकनी, वेदर यू टेक अ 1 BHK और वेदर यू टेक अ 2 BHK और यू टेक अ जूडी. ऑलराइट, तो सबको समझ में आ गया, ये प्रोजेक्ट में 1 BHK है, देर इज 2 BHK एंड देर इज अ जोड़ी ऑफ फ्लैट. और कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना 2+2 का जोड़ी बनने वाला है, ना 1+1 का जोड़ी बनने वाला है. जोड़ी बनेगा तो एक 1 और 2 का जोड़ी बनेगा, जो कुल मिलके 3.5 का स्टडी का एक जोड़ी बन जाएगा. ठीक है, प्राइजेस कितना है, शो फ्लैट कैसे दिखता है, एंड मॉडल अभी आपको मैं अंदर बताऊंगा. ठीक है, चलो आ रहे. तो ये रहा हमारा मॉडल फ्लैट. ये पूरा 5.5 एकर्स का पूरा आपका डिस्प्ले है. सामने आप देख रहे हो ए एंड बी टावर्स. ओके, जिसमें ए टावर्स जैसा कि मैंने कहा था कि सोल्ड आउट हो चुका है, और हम बात करने वाले हैं सिर्फ बी टावर की. सामने आप देख सकते हो पोडियम लेवल्स में आपका पूरी एमिनिटीज़ है तैयार. ओके, आप देख सकते हो कि पोडियम के नीचे पूरा पार्किंग है, और ये आपका आयरोली क्रिक व्यू, जो हम बोलते हैं ईस्ट व्यू. ओके, और ये वेस्ट साइड व्यू जो है सिटी व्यू. तो ये आपके अपार्टमेंट से दोनों साइड व्यूज़ मिलते हैं आपको. ओके, ये एक आपका एग्जिट पॉइंट है. ओके, आउट ऑफ 3 एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में. उसमें से पहला एग्जिट पॉइंट ये आपको देख सकते हो. नीचे जो है हाई स्ट्रीट रिटेल्स हैं, यहाँ पे कॉर्नर शॉप्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो आपका घर का राशन पानी जो है आपको नीचे ही मिल जाएगा, कहाँ दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये अच्छे से देख लेना. नीचे पूरा कर्व सेक्शन में हाई स्ट्रीट रिटेल है, ये आपका सेकंड एग्जिट पॉइंट भी हो गया, और ये आपका बिल्डिंग का पूरा एलिवेशन जो 39 फ्लोर्स का है. ओके, बीच में पार्टीशन अगर आप ध्यान से देख सकते हो, इसी कारण आपका 1+1 या 2+2 का जोड़ी नहीं बन सकता. दोनों कॉर्नर में 2 BHKs है और बीच में 1 BHK है यहाँ पे. और ये फ्यूचर डेवलपमेंट है जहाँ पे सी डी ई विंग आने वाला है. ओके,
सो टोटल ओपन स्पेस है जो मोर देन 70% ऑफ द डेवलपमेंट में है, जो 5.5 एकर्स में आपको दिया गया है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए और हम आगे बढ़ेंगे अभी शो फ्लैट की तरफ। ओके, 2 BHK का जो सैंपल फ्लैट है ये रहा, प्लीज दिखा दीजिए। रेक्टेंगल शेप में आपका हॉल है एंड यू हैव द बालकनी ओवर हियर। ओके, ये व्यू नहीं होने वाला है। ये जैसे कि मैंने मॉडल फ्लैट में आपको बताया, या तो आपका सिटी फेसिंग व्यू होएगा या तो आपका आयरोली क्रीक फेसिंग होएगा। ट्रेमेंडस व्यू एंड पूरा ओपननेस के साथ। सोचो 1 या 2 BHK में इतना अच्छा व्यू मिलता है, बट बहुत कम जगह पे मिलता है और प्राइस भी बहुत बताऊंगा मैं आपको। सो आपने हॉल देख लिया। ओके, बैरशल फ्लैट मिलने वाला है। हम फर्निश करने के बाद भी यू हैव सो मच स्पेस लेफ्ट इन 650 कार्पेट ऑफ अ 2 BHK। ओके, सो दिस इज अ 2 BHK जिसका कार्पेट है 602 अगर आप बालकनी को हटा देते हो तो। अगर आप बालकनी को इंक्लूड करते हो तो इट इज अ 650। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर किचन एंड योर कॉमन बेडरूम। ये साइड आपका कॉमन बेडरूम है। ओके, नाइस 9.8 फीट का सीलिंग हाइट है आपका। यू कैन शो द वार्डरोब कि यहाँ पे अच्छा खासा वार्डरोब होने के बाद भी यू कैन हैव अ नाइस क्वीन टू किंग साइज ऑफ बेड इन योर कॉमन बेडरूम। This is your kitchen, both the sides platform. ये दोनों sides आपको platform मिलेंगे, आपको window रहेगा for cross ventilation. बाकी तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा आपका interior जो है। Moving on towards your master bedroom. उसके पहले this would be your common washroom. देखो काफी बड़ा है washroom ये. And this is your master bedroom with the attached washroom over here. Please show the master bedroom. फ्लैट का खासियत ये है बीइंग एन इकोनॉमिक साइज की 600 साढ़े 600, जो हाइट फ्लोर टू सीलिंग जो हाइट है दैट इज अ 9.8 स्टैंडर्ड। तो अच्छा खासा हाइट है। आप फॉल सीलिंग करने के बाद भी यू हैव स्पेस लेफ्ट। कैसे नहीं होगा कि 9 फीट का हाइट है उसमें फॉल सीलिंग कर दिया और 8.5 में आपका सर छूने लग गया, हाथ छूने लग गया, नहीं। सो ये एक 2 BHK का सैंपल फ्लैट है। अगला हम देखेंगे 1 BHK का सैंपल फ्लैट और यही दोनों फ्लैट को आप जोड़ी करते हो और 3.5 का स्टडी करते हो। सो नेक्स्ट टूर वुड बी द 1 BHK फर्निश। ये 1 BHK है 401 कार्पेट का, 400 कार्पेट की एक 1 BHK, इसके साथ भी एक बालकनी आती है। अगर आप बालकनी को जोड़ते हो तो ये 450 कार्पेट का एक 1 BHK होता है। दोनों आइदर साइड फेसिंग फ्लैट्स अवेलेबल है, या तो आयरोली क्रीक साइड फेसिंग या तो सिटी साइड फेसिंग, राइट। This 1 BHK comes with a balcony, 2 washrooms. बताओ दूसरा वॉशरूम कहाँ पर है? देखो यहाँ पे छुपा के रखा है। This is the second washroom in your 1 BHK. So nicely designed कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हॉल में वॉशरूम है पर किसको पता नहीं है। This looks like a wardrobe actually. You can just close it down. Okay. And this would be your kitchen. ये आपका डाइनिंग सेक्शन हो गया, ये आपका हॉल सेक्शन हो गया। You can see. यहाँ पे बैठ के टीवी देखो। This is your dining. Okay. And this is your L-shaped kitchen जो है। ऊपर 1 मिनट विंडो दिया है फॉर वेंटिलेशन पर्पस ओवर हियर एंड दिस इज द कॉमन वॉशरूम यू हैव एंड गोइंग टू द बेडरूम यू हैव एन अटैच वॉशरूम आल्सो देयर। अगेन द सीलिंग द फ्लोर हाइट इज 9.8 ऑड। आप वॉशरूम दिखा देना, इज अ वेरी बिग स्पेशियस वॉशरूम और ये आपका वार्डरोब का नीच का सेक्शन हो गया, यहाँ पे आप वार्डरोब बना सकते हो। ओके, एंड दिस इज योर बेडरूम। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एंड स्मॉल बट नॉट टाइनी, अ डीसेंट साइज 1 BHK। नाउ वी आर इन अ 1 BHK, दैट साइड वॉज अ 2 BHK। ये जो बीच का दीवार है, ये बीच का दीवार जब तोड़ देंगे और एक किचन को आप स्टडी बना देंगे, सो इट बिकम्स अ 3.5 BHK। दो बेडरूम वहां पे, ये आपका बेडरूम और ये 0.5 का आप स्टडी बना सकते हो या पूजा रूम बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, राइट। नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, 1 BHK 91 लाख ऑल इंक्लूसिव। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का फ्लैट नहीं है यहाँ पे। 1 BHK का जो लोअर फ्लोर में प्राइस है और हायर फ्लोर में प्राइस है, the ranges between 90 to 93 lakhs all inclusive odd. The price for a 2 BHK and starts from 1.5 and ends till 1.75 all inclusive, that's all. आप बालकनी वाला लो, हायर फ्लोर लो, 165-170 में आपका हो जाएगा। आपको लोअर फ्लोर जाना है 10 या 20 माला, द प्राइस विल मूव अराउंड आई सपोज 1.5 crore एंड दैट इज ऑल इंक्लूसिव विथ योर कार पार्क, स्टैम्प ड्यूटी, GST, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग एंड नो ब्रोकरेज फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वी आर चैनल पार्टनर्स एंड वी डोंट टेक एनी कमीशन फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स एंड आवर क्लाइंट्स, राइट। सो आई होप कि आपको प्राइजेस अच्छे लगे, इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्राइस। हाँ, जोड़ी वाले के लिए, क्योंकि तो मेजोरिटी जो यहाँ पे जो फ्लैट्स गई है ना, दैट इज अ 1100 कारपेट की जोड़ी। मतलब अगर किसको 3 BHK चाहिए तो 2.5 crore ऑल इंक्लूसिव
to 2.9 crore all inclusive is the price of the 3 BHK over here. Okay, magnificent view of Airoli or the city facing view, either of the views, no premium charge, only there is band. 1 se 10 mala ka ek price hai, 11 se 20 mala ek price, 21 se 30 mala tisra, aur 30 ke upar wale sab balcony wale flats hai by default and the price varies. So I have given you the lower range and the higher range. You have my number. My name is Neeraj Menon. Channel's name is Property Ho To Aise. Mujhe call kijiye. अगर ये प्रोजेक्ट देखना है तो मैं अरेंज कर दूंगा, विजिट करा दूंगा और हम अच्छा एक डील बिठा सकते हैं। इसका पोजीशन आपको मिलने वाला है जून 2026 को। नमस्ते, जल्दी मिलेंगे आपसे।